भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। इस रेल नेटवर्क में हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। आज भी बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जो डीजल से चलती हैं। जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि स्टेशन से सफ़र की ओर जाने वाला इंजन हमेशा चालू रहता है, इसे बंद नहीं किया जाता है। अगर डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो इसके कंप्रेशर पर गलत असर पड़ता है, इससे इसका ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो सकता है। डीजल इंजन में एक बैटरी भी होती है और ये तभी चार्ज होती है जब इंजन चालू रहता है। ऐसे में इंजन को बंद करने की स्थिति में लोकोमोटिव सिस्टम फेल हो सकता है। रास्ते में किसी खतरे को देखकर या किसी कारणवश ट्रेन के डीजल इंजन को बंद कर दिया जाए तो इसके बाद इंजन को फिर से चालू करने के लिए लगभग 20 मिनट लग जाता है। दोबारा इंजन को चालू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डीजल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इसे चालू रखने का इतना डीजल नहीं लगेगा जितना इसे बंद करके फिर से चालू करने पर लग जाएगा। इसी कारण ट्रेन के इंजन को बंद नहीं किया जाता। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।